हेलो एवरीवन, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो बस देखें, आज एक मैं आपको छोटी सी रेसिपी कह लें आप, या बस तरीका बताऊंगी कि 1 टीस्पून से किस तरह आप अपने लिए मज़ेदार सा पराठा बना सकते हैं। तो बस देखें, मैं अपना आटा बॉक्स में अपने ऐड कर रही थी। तो बस देखें, ये वाला आटा बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो हम लोग पिसवाते हैं यहाँ से, हारा बहुत अच्छी जगह है जहाँ से पाकिस्तानी फूड और जैसे आटा पिसवा लेते हैं, लेकिन बहुत दिनों से वो खा रहे थे तो मैं सोचा कि चलो कुछ चेंज किया जाए। तो बस देखें, मैं आटा गूंद रही थी मशीन में जितना भी चाहें। तो बस मैं आपको दिखा रही थी कि जब भी आप जैसे आटा गूंदें तो उसके अंदर थोड़ी सी या तो जौ ऐड करवाएं। जैसे अब हम लोगों ने ये पैकेट का हमने इस दफ़ा हमने ये लिया है। वैसे हम लोग 4 किलो जैसे व्हीट होता है, कभी उसके अंदर 2 किलो, कभी 1 किलो जौ का आटा ऐड करवाते हैं। ज़्यादा बहुत ऐड करवाओ अगर जाओ तो बहुत ज़्यादा उससे रोटी ड्राई बनती है। अदरवाइज़ देखिए, मैं अब इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ और थोड़े से चिया सीड ऐड करूँगी। इसके अलावा कभी आप चिया सीड ऐड कर सकते हैं, कभी इसबगोल ऐड कर लें, कभी वाइट तिल ऐड करें। और इसी तरह ड्राई फ्रूट का भी मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, कभी कभी आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड करें, अदरवाइज़ अगर आप बच्चों को जैसे खिलाएंगे कि चिया सीड पानी में ऐड करके पी लो या इसबगोल पी लो, जैसे कभी हफ्ते में या 2-15 दिन में हमें इस तरह की चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो बच्चे कभी भी एक बाइट भी नहीं लेते। तो ये है, रोटी ऐसी चीज़ है जहाँ आप चुपके से कभी कलौंजी डाल दें, कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छी हेल्दी चीज़ें ज़रूर ऐड किया करें। तो बस देखें, अब मैंने मशीन में अच्छा सा आटा गूंद लिया, क्योंकि देखें साफ़ सी मशीन है, बहुत अच्छा आटा गूंद जाता है। बिल्कुल इस तरह गूंदता है जिस तरह आपने रात को गूंद के रखा है, बहुत ही सॉफ्ट सा। अदरवाइज़ अगर आप किसके अंदर जौ का जैसे आटा ऐड करें, चिया सीड, तो बहुत देर लगती है और बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन मशीन के अंदर बहुत ही ईजी और सॉफ्ट सा बिल्कुल हो जाता है। तो बस मैंने आमिर को भी इसी की रोटी बना के दी थी, बच्चे भी इस वक्त स्कूल जा चुके हैं, उनको मैंने इसी का छोटे छोटे बिल्कुल पराठे बना के दिए थे। और अब आई है मेरी बारी, और देखें कितना कम सा आटा गूंदा है, लेकिन फिर भी देखें कितना भी आटा बचा हुआ है, क्योंकि बहुत ही बच्चे ज़ाहिर है अगर 5-5, 6-6 बाइट भी सुबह ले लेते हैं पराठे के तो वो काफ़ी होता है बच्चों के लिए। चाहे थोड़ा खाएं, लेकिन अगर घर का बना हुआ जैसे खाते हैं बच्चे तो फिर उनका पेट भी बहुत देर तक भरा रहता है। ज़ाहिर है इतनी सुबह सुबह बच्चे नहीं खाते कि वो पूरा पूरा पराठा खा लें, लेकिन ये कि बस थोड़ा सा खाते हैं, लेकिन घर का अच्छा पराठा, अंडा जैसे एक अंडा खा लें और बिल्कुल 4-5 बाइट भी अगर पराठे के ले लेते हैं तो आई थिंक बच्चों के लिए काफ़ी होता है। और बस मेरी कोशिश होती है कि घर का मैं उनको नाश्ता करवा के भेजूँ स्कूल, क्योंकि जैसे लंच में तो फिर वो ब्रेड ज़ाहिर है लेके जाते हैं, तो ब्रेड ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चे पराठे वगैरह तो लेके नहीं जाते। तो बस ये कि अगर ब्रेड देनी भी है तो बस एक टाइम मैंने उनसे कहा है कि शाम में बिल्कुल ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप लंच में लेके जा सकते हैं, क्योंकि आजकल हम सबको पता है कि ब्रेड कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। बस ये है कि कम से कम जितना इस्तेमाल करें अच्छा है। बस देखें, बहरहाल मैं अपना बता रही थी आपको कि पराठा जो है वो देखें मैं इस तरह इस तरह स्पून में ऐड करके और फिर अपने जो पराठा है वो रेडी कर लेती हूँ। अंदर तेल का देखें आराम से पराठा, अगर आप चाहें तो इस तरह ऐड कर सकते हैं। जब भी हमने मैं जैसे एकदम तेल ऐड करती हूँ किसी चीज़ में, जैसे रखा मैंने बॉटल वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा तेल ऐड हो जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह स्पून में अपने पास रखेंगे और फिर उसमें से जितना भी आप हल्का बिल्कुल लाइट सा लगाएंगे तो उससे ये होगा कि आपको कंट्रोल आपको रहेगा कि भाई इतना बिल्कुल ज़रा सा लगाना है, ताकि इससे ये होगा कि आप देखें अच्छा सा नाश्ता भी कर लेंगे और बहुत ज़्यादा तेल, आप तेल वाला पराठा जैसे नहीं खाएंगे, वरना अंदाज़ा नहीं होता और बहुत ज़्यादा हम लोग ऐड कर देते हैं। तो बस देखें, अब मैं अपने लिए पराठा रेडी कर रही थी और इसी तेल में मैं अंडा भी बना लूँगी और फिर भी तेल बच जाएगा। तो देखें, ज़रूरी नहीं है कि हम बस रोज़ ही ब्रेड और हल्की हल्की चीज़ें खाते रहें, अच्छा सा नाश्ता करें, उसके बाद ज़ाहिर है घर का काम बहुत होता है, ज़ाहिर है वॉशरूम साफ़ करने होते हैं, घर की बाकी काम भी आपको पता है, कपड़े धुले हुए होते हैं, तय करने होते हैं, बहुत काम होता है घर में। तो अच्छा सा अगर नाश्ता नहीं करेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि बस रोटी को छोड़ के वो बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ गुजारेंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। 15 दिन आप ये करते रहेंगे कि रोटी छोड़ दी, रोटी छोड़ दी, उसके बाद भी ऐसी कमज़ोरी होगी, इतने बाल ख़राब हो जाएंगे, तो फिर बेहतर है कि इस तरह का नाश्ता करें। देखें, अभी भी देखें अंडा बना लिया मैंने, पराठा भी बना लिया, फिर भी देखें ये थोड़ा सा तेल बचा हुआ है। तो बस इसके अलावा मैंने ऑलिव अपनी डाइट में ऐड किए हैं। नाश्ते में इस तरह आप अंडे के साथ आराम से खा लेंगे तो बहुत आराम से खाया जाता है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है खाना ये चीज़ें, लेकिन हेल्थ के लिए ज़रूरी है ये चीज़ हम अपनी खुराक में ऐड करें। तो बस देखिए, मैंने चाय भी बना ली है और कोई भी स्टीविया चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल थोड़ी सी बिल्कुल चीनी ऐड कर लें, शहद ऐड कर लें, लेकिन ये मसनोई जो चीज़ें हैं इनसे बिल्कुल बच के रहें। जिनको खुदा ना खास्ता शुगर है वो तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप नॉर्मल है माशाल्लाह तो फिर यूज़ ना करें। और बस देखें, ये एक दिन था
जिसमें आमिर ने रात को सोचा कि हलीम, एकदम उन्होंने कहा मुझे हलीम खाना है, तो बस वो दालें वगैरह भिगो रहे थे वो। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हस्बैंड कुछ लोगों के होते हैं जो जो चिकन कढ़ाई या बीफ मटन कढ़ाई बनाना पसंद करते हैं, और या फिर वो बारबेक्यू का जैसे बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन आमिर कभी भी नहीं, आमिर ने कढ़ाई वगैरह कभी नहीं बनाई, बस उनको हलीम बनाने का शौक़ है, खाने का माशाल्लाह और बनाने का भी है। तो बस वो चिकन हलीम बना रहे थे, और इस वक्त आज मेरी छुट्टी थी और मैंने सोचा कि बाकी ही काम कर लेती हूँ, बस मैं किचन में आ रही थी और देख रही थी कि क्या हो रहा है। जैसे हर वाइफ जो है वो तकरीबन एक घंटे में आधे घंटे में खाना बन जाता है, लेकिन जब हस्बैंड बनाते हैं तो 4-5 घंटे समझे आपके, क्योंकि वो बहुत आराम आराम से बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो वही काम हो रहा है किचन में, मैंने सोचा कि बाकी काम मैं करूँ। देखिए मुजम्मिल ने सारे जो बॉक्सेज हैं वो जमा की हुई हैं और घर घर खेलते हैं अपने बहन भाइयों के साथ, और सारे उन्होंने काफ़ी दिन से मैंने सोचा था कि ये करूँगी लेकिन टाइम नहीं मिला, आज जब आमिर ने किचन संभाला है तो बाकी का काम मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद मैंने सोचा चलो ये वाले काम मैं निपटाती हूँ। सारे मैंने बॉक्सेज बिल्कुल अलग कर लिए हैं, मैंने फ़ौरन इनको फेंकवा दिया बच्चों से कि जल्दी से फेंक के आ जाओ, इस वक्त मुजम्मिल सो रहे थे उनको पता भी नहीं चलेगा, तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा सामान घर से ख़त्म किया जाए ताकि फिर सफाई सही से हो। तो बस ये बिल्कुल देखें कितना लाइट सा हो गया है, अदरवाइज़ बहुत यहाँ पे हैवी हो रहा था, वो काफ़ी दिन से इनको यूज़ करने नहीं दे रहे थे कि हम घर घर खेल लें, कुछ उन्होंने चीज़ें फ्रिज बनाई हुई थी, कुछ पता नहीं क्या किचन बनाया हुआ था, क्या क्या किया हुआ था। तो बस बहरहाल ये मैं सब चीज़ें बिल्कुल अब मैं इसको रिमूव कर दी है, साफ़ लग रहा है बिल्कुल, और कुछ मैंने सोचा कि चलो खुशबू वगैरह ज़रूरी है घर में, और बस मैं इसका बखूल वगैरह कहते हैं इसको, मैं अच्छी सी खुशबू पूरे घर में, क्योंकि पूरे घर में एक हलीम की बहुत तेज़ खुशबू होती है पूरे घर में हो रही थी, तो मैं सोचा चलो थोड़ा चेंज किया जाए ताकि अच्छी सी खुशबू आए घर में। और इसके अलावा देखें ज़रूर उस तरह की कोटेशंस वगैरह ज़रूर हमें रखनी चाहिए घर में। बस बहरहाल हमने आपके सामने मैंने शेयर किया था इत्तेफाक नून से कुछ शॉपिंग की थी, तो बस ह्यूमिडिफायर का फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप एसी या हीटर जैसे ऑन करते हैं सर्दियों में या गर्मियों में, तो आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, और तो बस अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो बिल्कुल स्किन ड्राई नहीं होगी आपकी, एक नमी सी कमरे में रहती है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी देखें इसके ड्रॉप्स थे, बहुत अच्छी खुशबू है काफ़ी मुख्तलिफ किस्म की, तो ज़रूर आप ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये तो नून पे आराम से मिल जाता है। तो बस वो मैंने ऑन किया था, इसके बाद में सोचा कि चलो कुछ टाइम बच गया है तो बस मैं सोचा कुछ अपने बाल वगैरह में रोल करूँ, और बस मैंने कुछ दिनों में कलर चेंज करना है अपना, सर्दी आने वाली है, अच्छा सा कलर मैं अब करूँगी कुछ दिनों में, इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी फिर। तो बस मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज मैं रिव्यू दूंगी जो आमिर ने हलीम बनाया है, मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे खानों पे आप रिव्यू दिया गया, लेकिन बहुत कम बोलते हैं, तो बस नाज़रीन कैसे आप लोग, आमिर ने हलीम बनाया इसका मैं रिव्यू दूंगी आज, वैसे तो हस्बैंड देते लेकिन आज मैं दे रही हूँ, देखते तो अच्छा लग रहा है, खा के पता चलेगा कैसे। आमिर कितनी देर लगी है करीब से, लाओ आप कुछ बोले आमिर, बस पापा चलो नान देना, ये आमिर ले रहे हैं नान, रेसिपी आपने अपने ब्लॉग में देनी है।